अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महरीन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका और मेरा हम सब का मुकद्दर हो, आमीन सुमा आमीन। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लाइक दो तीन दिन के बाद भी ऐसे लगता है काफ़ी अरसा हो गया। सो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, इसी प्यारी सी दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अच्छा जी, आज जो है व्लॉग का स्टार्ट हम इस चीज़ से लेंगे कि मैं आपको रिव्यू दूंगी वो जो रामन आई थिंक नूडल्स हैं, जो कोरियन नूडल्स हैं, और मेरा उसको जो वोट है वो जो है 50-50 है। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी और यूनिक चीज़ है, और जो स्पाइसी नहीं खा सकते आप बिल्कुल मत खाएं, कह रही हूँ, सीरियस बता रही हूँ, मत खाएं। और जिनको है कि जी 50-50 वो खा लेते हैं, नहीं भी खाते तो फिर आप खा लें, थोड़े से खाएं, ज़्यादा नहीं, पूरा पैकेट नहीं खा सकते आप। तो हाँ, तो वो आज उसकी रेसिपी और रिव्यू आपके साथ ज़ाहिर है वो शेयर करूँगी वीडियो दिखाते हुए, और साथ ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें और ऐड ऑन होंगी। आप व्लॉग के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और अपनी जो है अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है वो करते रहिएगा, और मुझे बताइएगा कि व्लॉग को और अच्छे से अच्छा कैसे बनाना है। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए मेरी आईडी को, इंस्टाग्राम आईडी को, m.ifashioncollection इंस्टाग्राम की आईडी है। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, डिटेल भेज सकते हैं। वन पर्सन जो है वो 50 सब्सक्राइबर लेके आएगा तो उसको जी मिलेगा खाड़ी का जोड़ा। तो जब इस व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ तो जस्ट मैं आपको दिखा दूंगी वो पैकेट के, मुझे आज वो रिसीव हुआ है, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं उसको ओपन करके भी दिखाऊंगी कि जी कैसा और खूबसूरत सा जोड़ा मैं आपके साथ सब्सक्राइबर के साथ जो है गिव अवे में देने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, ये उनको मिलेगा जो 50 सब्सक्राइबर लेके आएंगे। सो तैयार हो जाएं, और 50 सब्सक्राइबर करना इतना मुश्किल नहीं है वैसे, आपने ये मुझे मिलियंस बिलियंस में लेके जाना है मेरे चैनल को सब्सक्राइबर्स में, ठीक है ना। ये चैनल अल्लाह ताला ने ही इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट कराना है इंशाल्लाह। और जैसे कि मैं कहती हूँ कि लक की बात होती है, आपकी लक अच्छी हो ना तो बस फिर एक कहते हैं ना मिट्टी में हाथ डालें तो वो भी सोना हो जाता है। तो मेरी जो है चैनल बनाने का मकसद ये था, आप लोगों के सामने आके बोलने का मकसद ये था कि मेरी फाउंडेशन जो है अल खुशी फाउंडेशन, स्प्रेड हैप्पीनेस जिसका स्लोगन है, आओ खुशियां बांटें। और इसका इंशाल्लाह एक सरप्राइज भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा कि मैं इस पर क्या काम कर रही हूँ, और जो कि इंशाल्लाह। तो मैं आपको बता रही थी कि खाड़ी का जोड़ा आपके साथ आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, और जो है वो गिव अवे वही उसको मिलेगा, ये बल्कि परमानेंट गिफ्ट होगा जो 50 सब्सक्राइबर शो करेगा। और मैं जैसे कि बता रही थी कि लक पे डिपेंड करता है कि आपकी लक अच्छी हो तो आप जो है ना बस मिट्टी में हाथ डालें तो वो भी सोना बन जाती है। सो ऐसा ही कुछ है कि मैंने डिफरेंट ब्लॉगर्स को देखा है, और नो डाउट कि हर किसी की मेहनत है, ये मेहनत है उठ के तैयार होना। जो लोग लेजी हैं उनके लिए उठ के तैयार होना और आपके सामने बोलना, कंटेंट लेके आना, ये भी बहुत एफर्ट वाला काम है। उन लोगों से पूछें जो बिल्कुल लेजी हैं, जिनको उठने की भी हिम्मत नहीं होती। सो अल्लाह ताला सबको एक्टिव रखें और अच्छा रखें, अपने लिए जीना सीखें, अपने लिए जीना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक हम जिंदा हैं तो अपने लिए जीना है और जिए। और इंट्रो जो है हमेशा लंबा हो जाता है, और जी चलें हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। सर्दियों की आमद आमद है और गजरेला ना खाया जाए इट्स इम्पॉसिबल। तो ये जी गजरेला आया हुआ था और सब खा के इसको ख़त्म कर चुके थे जी। तो ये बांटी थी निहारी और साथ नान और कुछ खमीरी रोटियां थीं और कुछ नान थे, और ये जी गरीबों में बांट दिया गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी फाउंडेशन है अल खुशी फाउंडेशन, तो फैमिली जो है मतलब मेरे फादर और भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो जब भी हो वीकली हम खाना जो है इस तरह से बांट देते हैं। राशन तो अलग से जाता ही जाता है मंथली, तो जो खाना है वो इस तरह से देख बनवाई जाती है, चाहे वो बिरयानी की हो चाहे वो पुलाव की हो। तो इस दफ़ा निहारी ही बनवाई थी, तो ये फिर यहाँ पे बीनिश बांट रही हैं, डाल के दे रही हैं सारा,
और फिर बाद में जाके वो बाहर गरीबों में बांट दिया जाता है, या कोई लेबर है वो खाना नहीं खाया, भूखे हैं तो उन भूखों को खाना खिला दिया जाता है, और ये बहुत सवाब का काम है और इसमें हर इंसान को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और कहते हैं ना कि अगर आपने अपने रिस्क में बरकत करनी है तो अल्लाह ताला से तिजारत करें, अल्लाह ताला ज़रूर मदद करते हैं। और यहाँ पे ये फातिमा भी देख रही थी बार बार कि ये क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो अब आप डालो, तो वो बस ऐसे ही खड़ी हुई थी, तो उसका मैंने वीडियो शूट किया और कह रही थी कि वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये थी जी आज के व्लॉग में थोड़ी सी अपडेट जो मैं आपको दे रही हूँ, और आप अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा शामिल रखिए, मेरी फैमिली को भी, मुझे भी। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बहुत बहुत बरकत दें और हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखें, और सबको अल्लाह ताला रिस्क दें। आमीन सुम आमीन। सो ये फातिमा को फाइनली पकड़ा दिया गया था कि ये आप पकड़ लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करी थी कि जी मैं डालती हूँ, तो हमने कहा चलो ये अब डाल के इसको पकड़ा दिया जाए, क्योंकि छोटी है अभी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। सो ये जी ये पैकिंग हो गई थी, ये साथ इसके लेमन और धनिया और अदरक वगैरह ये फिर ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे सारे, और ये बॉक्सेस बन चुके थे और बॉक्सेस कम हो गए थे, तो फिर हमने शॉपर बना दिए थे कि चलें ये हो जाए, और अल्लाह ताला ये दिया हुआ कबूल मंजूर करें। आमीन सुम आमीन। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, M.I फैशन कलेक्शन को और केकरी बाय महरीन को, और जी ये इंस्टा पे आईडीज़ हैं दोनों, और अल खुशी फाउंडेशन की आईडी भी आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी, और जो कि फेसबुक पे भी है, आप चाहें तो फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अल खुशी फाउंडेशन के नाम से जी पेज है मेरा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी मैंने आपको बता दिया है M.I फैशन कलेक्शन है और केकरी बाय महरीन है। ये जी नान और खमीरी रोटियां थी, तो ये फिर इनके भी पैकेट्स बना दिए गए थे और फिर अब इनको बांट दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज रामेन कोरियन नूडल्स का आपको रिव्यू दूंगी और इसकी रेसिपी बताऊंगी। यहाँ पे जी हमारी छोटू सी फातिमा जो है वो इधर देख के ओपन कर मुझे रही थी कि जी मैं इसको ओपन करूंगी, ऐसे भी करो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने साथ ही देखे, वो कह रही है कि नौमी नौमी इसकी मामा को बहुत पसंद है ये नूडल्स, और इसकी जो क्यूट सी चपली है ना मुझे बहुत पसंद है। और जी ये है मेरी क्यूट सी नीस जी, ये तो अब जी अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में जी। तो ये नूडल्स जो हैं कोरियन रामन नूडल्स हैं, और ये जो है आप कैनन्स की बर्गर पैटीज़ जो होती हैं आप उनके साथ भी खा सकते हैं, इनके टेंडर पॉप्स होते हैं, हॉट शॉट्स होते हैं, उनके साथ आप खा सकते हैं, मतलब चिकन फॉर्म में कुछ भी होगा तो आप इसके साथ नूडल्स के साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे बर्गर पैटीज़ ले ली थी दो, वो मैंने उनको अच्छे से लाइट सा ऑयल करके इसको फ्राई कर लिया था, आई मीन थोड़ा सा इनको गरम करके और अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया था कि ज़रा थोड़े से ये हार्ड हो जाएं, और क्योंकि ये बिल्कुल नरम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको मैं थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, पहले इसमें से खुद ही ऑयल निकल आता था लेकिन अब इन्होंने कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल करना पड़ता है इसको ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसको जी अच्छे से पका लें आप ताकि ये हार्ड फॉर्म में आ जाए और फिर इसको खाने का मज़ा भी आता है। अच्छा जी ये नूडल्स हैं, आपने क्या करना है कि इनको अच्छे से पकाने के बाद जो बर्गर पैटीज़ हैं इनको अच्छे से पकाएं और इस तरह की शक्ल हो जाए इसकी, ये गोल्डन गोल्डन सा हो जाए, और इसके बाद आपने 1 से 1.5 गिलास पानी का लेना है और उसको जी आपने पैन में डाल देना है और उसको बॉईल आने में ये नूडल्स आपने डाल देने हैं, और इसको जी आपने कोई 3 मिनट्स आई थिंक पकाना है, मतलब बॉईल आने पे आपने इसको छन्नी में छान लेना है, इसको 30% इसका वाटर यानी कि पानी जो है वो इसमें रहना चाहिए ताकि ये जो इसमें मसाला और वो जाएगा, इसका ऑयल होता है एक उसमें सारा मसाला होता है, ये जी बड़ा ख़तरनाक मसाला है, अगर आप इसका हाफ डालेंगे तो शायद फिर कवर हो जाएगा। ये जी 30% वाटर था इसका और मैंने इसमें नूडल्स डाल दिए थे,
और इसके बाद इसमें मैंने इसका जो दो पैकेट्स होते हैं इसमें मसाले के, और एक होता है लिक्विड फॉर्म में, एक होता है ड्राई फॉर्म में। तो ये जी ड्राई फॉर्म में पहले मैंने डाला था, और फिर ये इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, ये जो ड्राई फॉर्म में होता है ये इतना स्पाइसी नहीं होता, जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो बहुत ख़तरनाक मसाला होता है इसका। तो उसको आप अगर हाफ़ पैकेट डालेंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो ये मैंने हाफ़ ही डाला था, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था तो इसलिए मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा मसाला लग रहा था। तो ये जी लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये आप जब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो इसकी ये शक्ल निकल आएगी। इसको आप आराम आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लें, और इसके बाद आप इसको निकाल लें प्लेट में, और प्लेट में निकालने के बाद जब आप सर्व कर रहे होंगे तो साथ आप इसके वही बर्गर पैटीज या फिर जो भी आपने चिकन फॉर्म में टेंडर पॉप्स लेने हैं या हॉट शॉट्स लेने हैं या चिकन टेम्पूरा भी होता है वो आपने लेना है तो वो आप साथ रख दें इसके, और साथ जी आप रख दें कोल्ड ड्रिंक कोई भी, आप कोक के ज़्यादा शौकीन हैं या फिर फांटा या जो भी, इवन आप सिंपल वाटर भी ले सकते हैं और फिर आप जी इसको खा सकते हैं अगर आप स्पाइस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये मतलब मेरा 50-50 इसको है वोट कि आप इसको खाएंगे तो थोड़ा कम मसाला डाल के खाएंगे तो अफोर्डेबल है खाना इसको, अगर फुल आपने पैकेट डाल दिया है लिक्विड मसाले का तो फिर बस बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये आज की रेसिपी थी और रिव्यू था जी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा, और एज़ यूजुअल आपसे यही कहूँगी जाते जाते कि अपनी दुआओं में खास खास शामिल रखें मुझे और मेरी पूरी फैमिली को, अल्लाह ताला मुझे मेरी पूरी फैमिली को आपको हम सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें और हर बुरी और बदनज़र से बचा के रखें और हासदीन से बचाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। सो अपनी दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा, और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा लेके आइए, इस चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ दीजिए, आप लोगों के साथ की और प्यार की ज़रूरत है, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं उसकी अपडेट मिलती रहेगी। और जनाब किस्मत की बात होती है कि किस्मत किसी की इतनी अच्छी होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एक काम शुरू करते हैं और उसी में ही कामयाबी मिल जाती है एक हल्के से उसमें। तो कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करते रह जाते हैं लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंशाल्लाह आपका वक्त ज़रूर आएगा। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि अपना वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जैसा कि आपको बताया था कि खादी का सूट आपके साथ अभी सिर्फ पैकिंग शेयर कर रही हूँ जी, ये जी मेरे पास खादी के सूट की पैकिंग है, इसको मैंने अभी खोलना है, और ये जब मैं ओपन करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ज़रूर सब्सक्राइबर लेके आइए और मुझे DM कीजिए m.ifashioncollection पे, और मेरे जो इंस्टाग्राम के आईडी है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस ये एक छोटी सी बात है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।